बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन से एक नई ट्रेन का संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन 05537 के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलेगी। आइए बात करते हैं इसे वीडियो अपडेट में ट्रेन के पूरी जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपडेट। उससे पहले हमारे चैनल को नए किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल रेलवे की तरफ से इस ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। सीतामढ़ी रक्सौल नरकटियागंज होते हुए यह ट्रेन बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलेगी। यह ट्रेन 05537 के साथ दरभंगा से अजमेर के बीच चलेगी, जो कि एक पूजा स्पेशल ट्रेन के रूप में 7 अक्टूबर से इस ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। 7 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक यह ट्रेन प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को चलाई जाएगी और अजमेर से यह ट्रेन 8 सितंबर से चलाई जानी थी, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से इस ट्रेन का संचालन अब 7 अक्टूबर से शुरू होगा। 7 अक्टूबर से लेकर यह ट्रेन 10 दिसंबर तक चलाई जाएगी और प्रत्येक सप्ताह के रविवार को दूसरी दिशा में इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। आइए बात करते हैं ट्रेन के रूट, स्टॉपेज और टाइमिंग डिटेल्स के बारे में। दरभंगा से अजमेर के बीच यह ट्रेन 1:15 पर दोपहर में खुलेगी और यहां से खुलने के बाद सीतामढ़ी जंक्शन होते हुए यह ट्रेन रक्सौल पहुंचेगी। रक्सौल के बाद यह ट्रेन नरकटियागंज 6 बजे शाम में और यहां पर 10 मिनट का इस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा। इसके बाद यह ट्रेन कप्तानगंज गोरखपुर होते हुए खलीलाबाद बस्ती गोंडा जंक्शन के रास्ते, यह ट्रेन शाहजहांपुर होते हुए कासगंज के रास्ते यह ट्रेन अजमेर 1403 किलोमीटर का सफर तय करके 9:40 पर दूसरे दिन रात में पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से बिहार से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को तो सौगात मिलेगा ही, साथ ही यूपी के यात्रियों को भी इस ट्रेन का सौगात मिलेगा। आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।